वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। एंड आज मैं शेयर करने वाली हूँ अफोर्डेबल बिगनर फ्रेंडली मेकअप किट। सो ये जो प्रोडक्ट मैं शेयर करने वाली हूँ वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, बेस्ट क्वालिटी के हैं एंड दे वर्क्स वेरी 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 गुड। ठीक है, मैं इनको रोज़ यूज़ करती हूँ, मैंने आपके साथ बहुत सारे वीडियो में शेयर भी कर रखे हैं। एंड या सो उसके साथ हम करेंगे हमारा मेकअप भी। सो या बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मेकअप करने से पहले अपनी स्किन को प्रेप करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड उसके लिए मैं अभी यूज़ कर रही हूँ फर्स्ट ये सिंपल का उत्तरा लाइट लिक्विड मॉइस्चराइजर गाइस, दिस इज, ठीक है। आप अपना कोई भी फेवरेट मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो। आई थिंक अगर आप समर टाइम के लिए लेना चाहते हो तो ये बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है, प्लम्प करता है, मॉइस्चराइज करता है एंड बहुत ज़्यादा लाइट वेट है एंड मैट फिनिश देता है आपको। सो नेक्स्ट मैं अप्लाई करूँगी लिप बाम एंड उसके लिए मैं अभी यूज़ कर रही हूँ ये विश केयर का सेरामाइड लिप बाम एंड इसमें है SPF 50 PA++ प्लस। अपने लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज करूँगी मैं। तो अगर आप बिगनर हो तो आपको ये दो स्टेप तो बिल्कुल करने ही है मेकअप से पहले, लाइक मेकअप से 10-15 मिनट पहले, ठीक। सो गाइस, प्रोडक्ट शेयर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो मेरी स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा ऑयली है एंड कॉम्बिनेशन है, लाइक समर टाइम में ये काफ़ी ज़्यादा ऑयली हो जाती है एंड विंटर टाइम में ये काफ़ी कॉम्बिनेशन हो जाती है। एंड जो मेरा स्किन कलर है वो है मीडियम टू डस्की, ठीक है। एंड मेरा जो स्किन टोन है वो है वॉर्म। एंड ये प्रोडक्ट आपके लिए तभी काम करेंगे जब आप ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन के हो एंड आपका अगर स्किन टोन डस्की और मीडियम है तो, ठीक है। तो फर्स्ट अप्लाई करना है प्राइमर एंड प्राइमर के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है। ये है इनसाइड का 3-in-1 प्राइमर गाइस, दिस इज़ वेरी गुड सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है ये। एंड अगेन ये है इनसाइड का पोर मिनिमाइजर प्राइमर, दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड। अप्लाई कर लेते हैं। सो ये अच्छे से आपके पोर्स को मिनिमाइज करता है, बिल्कुल ब्लर आउट कर देता है। सो यू कैन सी इसने कितने अच्छे से मेरे पोर्स को ब्लर आउट कर दिया है एंड बिल्कुल मैट फिनिश दी है। सो प्राइमर के बाद हम अप्लाई करेंगे फाउंडेशन एंड उसके लिए भी मेरे पास दो ऑप्शंस है। फर्स्ट है ये मेबेलिन फिट मी का फाउंडेशन इन द शेड 332 गोल्डन कैरेमल गाइस, एंड दिस इज़ वेरी कम्फर्टेबल फाउंडेशन आई थिंक, बिकॉज अगर आपकी ड्राई स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, ऑयली स्किन है, कोई भी स्किन टाइप के हो आप, ये आप पे बिल्कुल अच्छे से सूट करेगा। सो नेक्स्ट है ये लैक्मे का 925 प्राइमर मैट परफेक्ट कवर फाउंडेशन गाइस इन द शेड 320 वार्म कैरेमल एंड दिस इज़ माय फेवरेट फाउंडेशन। लाइक आपकी अगर एक्सट्रीमली ऑयली स्किन है तो आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको, ये एकदम मैट फिनिश देता है एंड ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है कंपेयर टू मेबेलिन एंड या आई रियली लव दिस वन। तो मैं आज इसको ही अप्लाई करने वाली हूँ। मुझे इसकी एक चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद है, इसका एप्लीकेटर ऑनेस्टली, क्योंकि काफ़ी टाइम बहुत ज़्यादा मैसी लगता है। मतलब ऐसे आप निकालोगे ना यू कैन सी ये निकल रहा है, तो काफ़ी टाइम मेरे कपड़ों में भी लग चुका है। ब्रश की हेल्प से अच्छे से अप्लाई कर लूँगी इसको। सो फाउंडेशन के बाद मैं अप्लाई करूँगी कंसीलर और कंसीलर के लिए भी मेरे पास दोनों ऑप्शंस है। फर्स्ट है ये स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर गाइस, आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा मुझे इसको यूज़ करते हुए। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको डेफिनेटली इसको ट्राई करना चाहिए, दिस इज़ वेरी 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 गुड। बहुत अच्छा कवरेज देता है ये कंसीलर और काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, लॉन्ग लास्टिंग है और बहुत अच्छे से बहुत ही स्मूथली ब्लेंड हो जाता है। सो नेक्स्ट है ये कफ्स एंड लैशेस का लिक्विड कंसीलर गाइस, इसकी जो कवरेज है वो है लाइट टू मीडियम एंड ये काफ़ी अफोर्डेबल है, काफ़ी लाइट वेट है, हाइड्रेटिंग है और काफ़ी स्मूथली अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है ये भी। सो मैं अपना फेवरेट कंसीलर अप्लाई करूँगी दिस स्विस ब्यूटी का, क्योंकि इसकी कवरेज मुझे काफ़ी अच्छी लगती है एंड समर टाइम के लिए ये बेस्ट है एंड विंटर टाइम के लिए कफ्स एंड लैशेस का काफ़ी, क्योंकि वो थोड़ा सा हाइड्रेटिंग है इसीलिए। सो मेकअप किट शेयर करने के साथ साथ मैं मेकअप इसलिए कर रही हूँ क्योंकि प्रोडक्ट कितना अच्छा है, कितने स्मूथली अच्छे से ब्लेंड होता है, कैसी इसकी कवरेज है एंड ये कैसे वर्क करता है आपको ये समझ में आए वीडियो में। सो नेक्स्ट पाउडर के लिए मैं अभी यूज़ कर रही हूँ ये मार्स का ट्रेंड सेटिंग पाउडर एंड दिस इज़ आई थिंक वेरी 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 गुड। मतलब मैंने आज तक दो चार
लूज पाउडर ट्राई किया है एंड वो मुझे इतने अच्छे नहीं लगे जितना अच्छा मुझे ये वाला लगा है. लाइक ये बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, आपके मेकअप को अच्छे से सेट कर देता है एंड बिल्कुल भी वो पाउडरी इफेक्ट जो रहता है ना वो नहीं लगता. तो आई थिंक अगर आप बिगनर हो तो आपको इसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, यू विल लव इट. सो नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे कॉन्टोर ब्लश एंड हाईलाइट गाइस, एंड उसके लिए मेरे पास एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन ऑप्शन है आपके लिए. तो सो फर्स्ट है ये स्विस ब्यूटी का कॉन्टोर ब्लश एंड हाईलाइटर पैलेट गाइस. दिस इज़ वेरी गुड, लाइक काफ़ी अफोर्डेबल है और एक साथ ही आपको तीनों प्रोडक्ट मिल जाते हैं एंड काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ये पैलेट है. इसकी जो कॉन्टोर ब्लश एंड हाईलाइटर है मुझे तीनों ही बहुत ज़्यादा पसंद है एंड बहुत अच्छा है फॉर ट्रैवलिंग ऑल्सो. सो नेक्स्ट है ये NYBAE कॉन्टोर ब्लश एंड हाईलाइट. आपको ये सिंगल सी ऐसी क्यूट सी पैकेजिंग में मिल जाते हैं गाइज एंड दे आर सो अफोर्डेबल एंड सो गुड. लाइक इनका जो ब्लश है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है. लाइक थोड़ा सा इसको मुझे बिल्ड करना पड़ता है बिकॉज मैंने गलत शेड मंगवा लिया है, बट इट्स लुक सो 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 नेचुरल. तो इनका जो हाईलाइटर है बहुत ज़्यादा क्रीमी है, बहुत ज़्यादा बटरी है एंड लुक एट दिस, सो 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 गुड. मुझको ये स्पेशली पसंद है इन और कॉर्नर्स को हाईलाइट करने के लिए एंड थोड़ा सा ब्रॉन्जी है तो मैं अपने बॉडी को भी कभी कभी हाईलाइट कर लेती हूँ इससे से. एंड सो नेक्स्ट है कॉन्टोर. लाइक अगर आप मेरी तरह मीडियम टू डस्की स्किन को हो तो आपको कॉन्टोर शेड बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा. ये वाला 04 है मेरा शेड एंड दिस इज़ वेरी 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 गुड. मतलब आप इनको ट्राई कर सकते हो, दे आर टू गुड आई थिंक एंड पैकेजिंग भी बहुत क्यूट है और काफ़ी अफोर्डेबल है और आप इनके साथ अच्छे से ट्रैवल भी कर सकते हो. सो जो थर्ड ऑप्शन है वो है क्रीम प्रोडक्ट. मतलब अगर आपको पाउडर प्रोडक्ट नहीं अप्लाई करने हैं तो आप ये ट्राई कर सकते हो. ये है ब्लू हेवन का स्क्रोप एंड शेप स्टिक, ठीक है, जिसमें एक तरफ आपको कॉन्टोर स्टिक मिल जाती है, ठीक है, एंड ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पिगमेंटेड है एंड काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी है एंड एक तरफ आपको ये हाइलाइटिंग स्टिक मिल जाती है लाइक सी. सो ये 2-in-1 प्रोडक्ट है और काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली है, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी है. सो ब्लश के लिए आप ट्राई कर सकते हो ये कफ्स एंड लैशेज का इट्स ड्यूई लिक्विड ब्लश एंड दिस इज़ वेरी अफोर्डेबल और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है और काफ़ी ड्यूई है, काफ़ी ब्यूटिफुल से अच्छे से ब्लेंड हो जाता है एंड या. सो नेक्स्ट हमें अपने मेकअप को अच्छे से फिक्स करने के लिए चाहिए होगा एक अच्छा सा मेकअप फिक्सर जो कि आपके मेकअप को बिल्कुल भी इधर से उधर ना होने दे एंड उसके लिए मैं आपको शेयर कर रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर. ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, आपके मेकअप को बिल्कुल भी इधर से उधर होने नहीं देता एंड लॉन्ग लास्टिंग रखता है एंड जो भी पाउडर इफेक्ट है ना गायब हो जाएगा एंड आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ड्यूई एंड रिफ्रेशिंग लगने लगेगी. सो या दिस इज़ रियली रियली गुड मेकअप फिक्सर गाइज. मैंने आज तक 4 से 5 मेकअप फिक्सर ट्राई किए बट उसमें से मुझे सबसे ज़्यादा यही वाला पसंद है. सो नेक्स्ट हम अपने ब्राउज को अच्छे से फिल करेंगे एंड उसके लिए मैं आपको शेयर कर रही हूँ ये दो ऑप्शंस. फर्स्ट है ये ब्लू हेवन का स्क्रोप एंड सेट ब्राउ जेल. लाइक ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है. अगर आपकी ब्राउज मेरी तरह है ना बहुत ज़्यादा डार्क है एंड इनको बिल्कुल भी ज़्यादा फिल करने की ज़रूरत नहीं है तो आप ये ब्राउ जेल ट्राई कर सकते हो. लाइक जस्ट अच्छे से फिल करो एंड यू गुड टू गो एंड दिस इज़ वेरी लॉन्ग लास्टिंग, वेरी अफोर्डेबल एंड वेरी 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 गुड, ठीक है. एंड इसमें जो मेरा शेड है वो है ग्रे. सो नेक्स्ट है ये मेरी फेवरेट स्विस ब्यूटी की ब्राउ पेंसिल गाइज. सो इसकी पैकेजिंग मुझे काफ़ी पसंद है. आपको एक तरफ स्पूली मिल जाती है अपने ब्राउज को अच्छे से कोम करने के लिए, प्रोडक्ट को ब्लेंड करने के लिए एंड एक साइड आपको मिलता है प्रोडक्ट, ठीक है. एंड यू कैन सी कितना थिन है ये, मतलब अच्छे से आपके ब्राउज को फिल कर देता है बिल्कुल, ठीक है. सो नेक्स्ट हम करेंगे हमारा आई मेकअप एंड उसके लिए मैं भी शेयर करने वाली हूँ ये दो आई शेडो पैलेट जो कि मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है एंड आपके पास होने ही चाहिए.
दिस इज़ परफेक्ट आई शेडो पैलेट. अगर आपको कुछ कलरफुल आई मेकअप करना है तो इसमें आपको मैट शिमर एंड एक प्रेस ग्लिटर भी मिल जाता है. काफ़ी अफोर्डेबल है, पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है, आई शेडोज भी बहुत पिगमेंटेड है और अच्छे है, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं और या आई जस्ट लव दिस वन. सो नेक्स्ट है ये कप्स एंड लैशेज का द शाई स्टाइल 12 कलर आई शेडो पैलेट एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी पिगमेंटेड है. इसमें आपको दो शिमर शेड मिल जाते हैं, लाइक एक ब्राउन वन एंड एक गोल्डन वन एंड काफ़ी बेसिक सा पैलेट है एंड आई थिंक ऐसा पैलेट सबके पास होना चाहिए. ठीक है, अगर आप बिगनर हो तो आप ये ज़रूर ट्राई कर सकते हो. ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा पैलेट मैं आपके शेयर कर रही हूँ. अगर आपको ग्लिटर लगाने का बहुत शौक है एंड अप्लाई करना नहीं आता है तो आप कुछ इस तरह के ग्लिटर आई शेडो पैलेट में इन्वेस्ट कर सकते हो. ये है मार्स का ग्लिटर आई शेडो पैलेट. इसमें आपको गोल्डन, रेड एंड ब्लू, ब्लैक भी मिल जाता है एंड सिल्वर भी मिल जाता है, पर्पल है, लाइक एवरी शेड यू वॉन्ट. ठीक है, आई जस्ट लव दिस वन. मतलब जब से मैंने इसको लिया है ना, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, बटर की तरह अप्लाई होता है, इतना स्मूथली बटर की तरह अप्लाई होता है. आप चाहते हो एंड आपको कुछ शिमर अप्लाई करना पसंद है तो आप डेफिनेटली इस तरह के कुछ पैलेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, ले सकते हो. काफ़ी अफोर्डेबल पैलेट है ये, 200 रुपीज़ का या 250 रुपीज़ का आपको आराम से मिल जाएगा. सो आई शेडो अप्लाई करने के बाद बारी आती है लाइनर की एंड उसके लिए मैं पे शेयर कर रही हूँ ये ब्लू हेवन का लिक्विड लाइनर. गाइस इसकी प्राइस गेस करो आप कितनी होगी, जस्ट 80 रुपीज़ का ये लाइनर है एंड ये काफ़ी 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 अच्छा है. लाइक जेट ब्लैक है, स्मच प्रूफ है एंड काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, काफ़ी अच्छे से स्मूथली अप्लाई हो जाता है. इसका जो ब्रश है काफ़ी प्रिसाइज है, काफ़ी सॉफ्ट है एंड काफ़ी पतला है, जिसे आप पतले से पतला लाइनर भी ड्रॉ कर सकते हो. एंड या अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल हो, बिगनर हो, तो ये वाला लाइनर आपके पास होने चाहिए. ठीक है, अगर आपको कलरफुल लाइनर पसंद है तो इसी कलरफुल लाइनर भी अवेलेबल है आई थिंक. सो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं काजल्स की. अगर आपको काजल अप्लाई करना बहुत पसंद है तो आप ये तीनों काजल में से कोई एक ट्राई कर सकते हो एंड दे आर टू गुड एंड टू अफोर्डेबल ऑल्सो. सो फर्स्ट है ये लैक्मे का आइकॉनिक इंस्टा कूल काजल. ये काफ़ी अफोर्डेबल है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है एंड काफ़ी पिगमेंटेड भी है, यू कैन सी. सो नेक्स्ट है ये मेबिलिन द न्यू वर्क कलोसिव काजल गाइस एंड काफ़ी अच्छे से स्मूथली अप्लाई हो जाता है, काफ़ी पिगमेंटेड है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी है. लास्ट है ये मार्स का काजल गाइस एंड दिस इज वाटरप्रूफ, स्मच प्रूफ एंड लॉन्ग लास्टिंग काजल एंड काफ़ी पिगमेंटेड है. ठीक है, और ये पेंसिल काजल है, काफ़ी स्मूथली बटर की तरह अच्छे से अप्लाई हो जाता है एंड काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, वाटरप्रूफ है, स्मच प्रूफ है और अफोर्डेबल है. लाइक आपको 250 और 300 में आराम से मिल जाएगा एंड दिस इज़ माय फेवरेट. इसमें आपको काफ़ी सारे शेड भी अवेलेबल है, लाइक ब्लू, ग्रीन और ब्लैक. सो नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे मस्कारा एंड उसके लिए मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शंस है आपके लिए. फर्स्ट है ये मेबिलिन द न्यू वर्क कलोसिव वाटरप्रूफ मस्कारा गाइस. अगर आप ये वाला मस्कारा ले लेते हो ना तो आपको आई डोंट थिंक सो कोई भी मस्कारा अप्लाई करने की लेने की ज़रूरत है, क्योंकि वाटरप्रूफ है, स्मच प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है एंड अफोर्डेबल है. इसकी रियल प्राइस आई थिंक 400 और 500 समथिंग है, बट आपको 300 या 350 में आराम से मिल जाएगा. काफ़ी अच्छे से आपके लैशेस को कर्ल करता है, वॉल्यूम देता है, लॉन्ग लास्टिंग है एंड जस्ट अमेजिंग दिस इज. सो नेक्स्ट है ये मेरा एवरीडे फेवरेट मस्कारा गाइस. ये है मार्स का मस्कारा. ये बहुत अच्छे से आपकी लैशेस को कर्ल करता है, वॉल्यूम देता है एंड स्मच प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है एंड सुपर अफोर्डेबल है एंड एवरीडे के लिए परफेक्ट है आई थिंक. सो मैं आज इसको अप्लाई करने वाली हूँ.
यू कैन सी द डिफरेंस कितना ज़्यादा अच्छे से इसने मेरी लैशेस को कर्ल किया है, वॉल्यूम दिया है, एंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मुझे फेक आई लैशेज अप्लाई करने की कोई ज़रूरत है। सो लिपस्टिक अप्लाई करके मैंने इस मेकअप लुक को कंप्लीट कर लिया है गाइस, एंड मैंने इस मेकअप किट में कोई भी लिपस्टिक ऐड नहीं किया है बिकॉज आई थिंक वो आप अपनी पसंद के हिसाब से ऐड कर सकते हो। लास्ट अपने शेयर कर रही हूँ दो लिप लाइनर जो कि मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है। अगर आप मीडियम टू डस्की स्किन टोन के हो तो आपके पास ये दो लिप लाइनर्स होने चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट है ये स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर इन द शेड बॉबी ब्राउन 14, एंड दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल। सो बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल पीची ब्राउन शेड है जो कि आई थिंक हर इंडियन स्किन टोन पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, एंड ये काफ़ी अफोर्डेबल है ऑल्सो, लाइक 29 और 40 समथिंग का, ठीक। नेक्स्ट है ये मार्स की लिप लाइनर पेंसिल जो कि मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है इन द शेड 02, एंड दिस इज़ द परफेक्ट 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 ब्राउन लिप लाइनर गाइस। लाइक आप मीडियम स्किन टोन के हो, डस्क की स्किन टोन के हो, आप पे बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। लाइक दिस इज़ माई फेवरेट लिप पेंसिल आई थिंक एवर। सो या मैं लवलीज, आई होप आपको मेरा ये अफोर्डेबल बिगनर फ्रेंडली मेकअप किट अच्छा लगा हो, आपको ये मेकअप लुक अच्छा लगा हो। वैसे तो मैंने आपके साथ ये मेकअप लुक शेयर किया है इस वीडियो में, बट अगर आप चाहते हो कि मैं आपके साथ अलग से वीडियो शेयर करूँ इस मेकअप लुक का, तो प्लीज़ आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो देख के मज़ा आया होगा एंड आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑल्सो। अगर अभी तक नहीं किया है तो वहाँ पे एक बेल बटन होगी उसको भी क्लिक कर देना, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आएगा। एंड या प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो को लेकर तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके वो भी पूछ सकते हो। तो या लव योरसेल्फ, बाय, टेक केयर।